नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त की एक बड़ी खबर रीवा जिले के चाकघाट से सामने आ रही है, जहां बाजार में संचालित बालक स्कूल के प्रधानाध्यापक की बाइक की डिग्गी में रखे हुए 4 लाख रुपए की बड़ी रकम चोरों ने पार कर दी है। बताया जा रहा है कि उक्त रकम को भारतीय स्टेट बैंक शाखा चाकघाट से निकालकर प्रधानाध्यापक स्वयं के बच्चे के एडमिशन फीस हेतु लेकर के गए थे, परंतु पहले से ही नजर बैठाए चोरों ने बैंक से पैसे निकलवाने के कुछ मिनट के बाद ही इस बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस को सूचना दे दी गई है, वहीं पुलिस अब इस बारे में कार्रवाई कर रही है। चाकघाट से हमारे रिपोर्टर ईशु केसरवानी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। मेरा नाम बीरेन सिंह। क्या घटना आपके साथ आज होती है? स्टेट बैंक में पैसा लेने के लिए गए थे, तो जैसे हमने पैसा वहाँ से लिया और एक लाल कलर के बैग में उसको झोले में उसको रख करके, अब पैदल ही हमारा विद्यालय नज़दीक है तो पैदल ही जा करके हम अपने अंदर विद्यालय के अंदर प्रवेश किए, और अंदर जैसे प्रवेश किए और अंदर जा करके हमारी गाड़ी हमारे ऑफिस के सामने खड़ी थी, तो वहीं हमारी डिग्गी थी बाइक की, तो उसी बाइक के डिग्गी में हमने उसको रख दिया। रख करके प्यास लगी थी तो रख करके हम पानी जो है पीने के लिए थोड़े ऑफिस के अंदर वहीं प्रवेश किए, जैसे पानी पीने के लिए प्रवेश किए, पानी पिए और वहाँ से तुरंत आए, देखे तो डिग्गी हमारी टूटी हुई थी और पैसा हमारा लेकर के कोई गायब हो गया। कितने रुपए थे उसमें बैग में? उसमें 4 लाख थे। 4 लाख? ये किस उद्देश्य से आपने पैसा निकाला हुआ था? ये बच्चे के एडमिशन के लिए, पीजी में उसका हो गया है तो MBBS कर चुका है और पीजी उसका सिलेक्शन होगा तो उसी के एडमिशन के लिए पैसा निकाली थी। कितने बजे की घटना हुई? ये घटना है लगभग 10:45। घटना को लेकर आप क्या कुछ संदेह भी किसी के ऊपर है? अब संदेह तो हमको किसी के ऊपर नहीं लग रही है, अब कोई बदमाश लगा था पीछे, अब हम वो भी नहीं कर पाए, इसमें देख नहीं पाए। विद्यालय में किस पद पर पदस्थ हैं? हम प्रधानाध्यापक के पद। ये चाकघाट पुलिस को आपने सूचना दी, क्या उन्होंने आपके साथ क्या किस प्रकार से मदद की जा रही है? अब सूचना अभी दे दिया हूँ, अभी कुछ बोले हैं कि SP साहब आए हैं तो थोड़ा सा उसके बाद सर आ जाएं तो वो जो है घटना के संबंध में वो करेंगे।